में सियासी ड्रामा सद्बुद्धि के लिए धरने तक पहुंच चुका है। इंदौर के राजवाड़ा चौक पर माता अहिल्या की प्रतिमा के तले कांग्रेस के 3 विधायक और पार्टी अध्यक्ष ने धरना देकर भाजपा नेताओं के लिए सद्बुद्धि की प्रार्थना की है। दरअसल शुक्रवार को शहर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के पूर्व विधायक और भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सुदर्शन गुप्ता द्वारा राशन वितरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां और फिर उसका वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन द्वारा देरी से की गई कार्यवाही को लेकर और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को निशाना साधते हुए पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, देपालपुर के विधायक विशाल पटेल और क्षेत्र क्रमांक 1 के विधायक संजय शुक्ला सहित इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल ने चौकड़ी जमा धरना किया। इस दौरान पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सुदर्शन गुप्ता पर जमकर निशाना साधा और कहा कि सरकारी अनाज को भाजपा नेता ने अपने आका के जन्मदिन के अवसर पर फ्री में बांटा और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ाई। वहीं मंत्री पटवारी ने इस दौरान बढ़े हुए बिजली के बिलों को लेकर कहा कि जब हम सरकार में थे तो बीजेपी के सीएम लगातार कह रहे थे कि 150 यूनिट से अधिक बिल आए तो भरना नहीं है। मंत्री पटवारी ने सीएम पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि मेरे मुख्यमंत्री, हम सबके मुख्यमंत्री की बात सभी को मानना है और 150 यूनिट के 150 रुपए से अधिक का बिल हमें भरना नहीं है। इस दौरान मंत्री पटवारी ने मीडिया के तमाम सवालों का बेबाकी से जवाब दिया और हर जवाब में भाजपा को घेरने की कोशिश की। कोरोना को लेकर जो संक्रमित लोग हैं वो बढ़ने लगे, अनलॉकडाउन हुआ, मुख्यमंत्री यहाँ आए और प्रशासन ने जो स्टेप लिए उसमें इंदौर शहर को और मध्य प्रदेश को ये कहा कि आपको अब जीना हो तो जी लो और मरना हो तो मर जाओ, सोशल डिस्टेंस अब खुद को रखना है। ये जन जागृति के प्रथम काज के लिए हम लोगों ने एक सांकेतिक माता अहिल्या के चरणों में ये धरना दिया है या मौन एक प्रार्थना की। मैं मानता हूं कि इंदौर शहर के परिवारजन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सरकार से और प्रशासन से कोई आस न रखें। प्रशासन भी ऐसी जन जागृति वीडियो के माध्यम से अलग अलग तरीके से अपनाने की कोशिश करता है और यही बात कहता है जो हम कह रहे हैं, पर काम करने का तरीका अलग। बीजेपी के लोग चुनावी आयोजन करते हैं, भीड़ भाड़ भड़ा करते हैं, प्रशासन आंखें मीच लेता है। बीजेपी के लोग जन्मदिन मनाते हैं तो सरकारी राशन बांटते हैं गरीबों को, भीड़ होती है 24 घंटे बाद बीजेपी प्रशासन को पता चलता है कि फलाने चंद पूर्व विधायक जी आयोजन कर रहे थे, 24 घंटे बाद उन पर मुकदमा लगता है। बीजेपी के जन्मदिन आयोजन चुनाव इसको प्रशासन लॉकडाउन की श्रेणी में नहीं लेता है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता। मैं तो जनता से अपील करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं कि अब हमें सरकार और प्रशासन, इंदौर शहर के लोग, जागरूक लोग जिन्होंने 3-3, 4-4 बार इंदौर को नंबर 1 प्रथम साफ सफाई में लेके आए, अब हम जागें, कोई गलती न करें। और खासकर ऐसे परिवारजन जिनको आवश्यकता है राशन की, आप देखो कि सुदर्शन गुप्ता ने जो आयोजन किया उसमें लूटपाट हो गई। लूटपाट क्यों हुई? इसका मतलब था कि उन गरीबों के पास राशन नहीं है, तो प्रशासन क्रिया से समझे कि तकलीफ बढ़ेगी, लोगों के पास खाने पीने की वस्तुओं का अभाव है। ये लूटपाट आज ऐसे हुई है, कल और तरीके भी हो सकते हैं। तो मेरा आग्रह है प्रशासन से कि सरकार राशन गरीबों में वितरण प्रोसेस चालू रखे, अगर नहीं रखेगी तो फिर हम आस नहीं कर सकते कि लोग इस कोरोना से पहले भूख से मरने लगेंगे और अलग तरह की अराजकता का माहौल बनेगा। तो ये कांग्रेस पार्टी का जो आयोजन था, प्रशासन को एक तरह से चेताना और जनता से अपील करना, प्रार्थना करना, उसके लिए उसको लेकर 4 लोग सोशल डिस्टेंस से जनप्रतिनिधि बैठे हैं। इस पर एक सवाल और आता है कि ये धरना देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जाके कलेक्टर से बात कर सकते थे,
आदरणीय प्रशासन और मुख्यमंत्री और सरकार ये कहते हैं कोरोना से मिलकर लड़ना है। यहाँ के लोकल नेता भी रोज भाषण देते हैं अलग अलग समय पे, कभी गागल पहनते हैं, कभी कुछ करते हैं, वो भी अपील करते हैं एकजुट रहें एकजुट रहें। तीन विधायक जनता ने चुने, चुना हुआ जनप्रतिनिधि पार्टी का नहीं होता है, जनता का होता है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में आया कि जनप्रतिनिधियों से मुलाकात होगी और हम लोगों को कोई निर्देश नहीं मिले। जब हमारे लोगों ने, संजय शुक्ला ने, विशाल पटेल ने और मैंने कलेक्टर से बात की कि हम मिलना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से, अपनी अब हमारा मोटिव है इंदौर को लेकर बताना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा सर कोई मिलने का प्रोग्राम नहीं है। ये बात मैंने SMS से भी बोली, रिकॉर्ड है। सवाल ये है कि एक तरफ आप कोरोना से लड़ने के लिए एकजुटता की बात करें और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी करते, तो आपकी नियत में खोट है। इंदौर शहर की जनता समझे इस बात। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये मुख्यमंत्री जुगाड़ के जनमत से बैठा हुआ मुख्यमंत्री, पीछे के रास्ते से लोकतंत्र की हत्या करके बैठा हुआ मुख्यमंत्री, जैसा भी है हमारा मुख्यमंत्री। अब हमारे मुख्यमंत्री को अगर हम जनप्रतिनिधियों का एक परिवार होता है वो अपनी बात नहीं कहे तो किसको कहे। इसलिए माँ अहिल्या की नगरी में, माँ अहिल्या के चरणों में बैठ कर हमने इंदौर की जनता से आग्रह किया कि आप खुद संभलो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, लॉकडाउन नहीं होने के बावजूद लॉकडाउन के नियमों का पालन करो, प्रशासन का साथ दो और हर परिस्थिति में सरकार के निर्देशों को मानो। मैं कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता से अनुरोध करना चाहता हूं कि अभी ये जन जागरण हम चौराहे चौराहे घर घर कैसे फैलाए, इसको लेकर प्रोग्राम कांग्रेस पार्टी बना रही है। हम मास्क ऐसे पूरे शहर में घर घर बांटने का हमने प्रोग्राम बनाया है, वो भी आगे करेंगे। तो जनता खुद संभले, माँ अहिल्या की नगरी में बैठकर ये प्रार्थना हम सब करना चाहते हैं। पटवारी जी, आपने आरोप लगाया कि सुदर्शन गुप्ता सरकारी राशन बांट रहे थे, आप तीन तीन विधायकों हैं, तीन तीन विधायक यहाँ बैठे हुए हैं। मेरा सीधा प्रश्न है, सरकारी जो राशन बांट रहा था, क्या आप विधायकों को राशन नहीं मिला? आप लोगों ने सरकारी राशन नहीं बांटा क्या? बहुत अच्छा सवाल है। अभी पिछले 25 तारीख से राशन सरकारी वितरण व्यवस्था समाप्त हो गई, अब कहाँ से बंट रहा है सवाल ये है। और फिर अभी इसके बाद हमें नहीं मिला, आपने जो बोला इसके बाद हमें नहीं मिला। इसीलिए एक सवाल ये था कि पिछले दिनों जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी ऑडियो को लेकर, उसे लेकर कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि एक नेता है कांग्रेस के, जो जिन्हें चूहे को चिंदी मिल जाती तो बजाज खाना खोल लेते, ऐसा आरोप सीधे तौर पर उन्होंने लगाया। वो राजा हैं और हम रंग हैं, बहुत बड़े नेता हैं, पूरे देश में उनके बयान कई बार सुर्खियों में आते हैं। अगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ और न कोई मेरा आरोप है, मैं मानता हूँ कि हमारे बुजुर्ग नेता हैं, कुछ सीख देते हैं, अगर उनके वक्तव्य से मिलती तो हम नए लोगों को लेना चाहेंगे। पर ठाकुर के हाथ तो पहले ही कटे हुए थे, अब जवान है कुछ भी बोलेंगे। सुदर्शन गुप्ता पे मुकदमा कायम हो गया, कल तक आपका ये मुद्दा था। इंदौर में प्रशासन द्वारा जिस तरीके से व्यापारियों के साथ और गरीबों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, खासकर कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा, उसके खिलाफ आपने अभी तक आवाज़ क्यों नहीं उठाई? सब्जी वालों को रोक रखा है और जिस चीज़ों की जरूरत नहीं जिससे कोरोना बोल सकता है, उन सारे व्यापारियों को छूट दी गई है, इस पर आपने अभी तक क्यों नहीं एक्शन लिया? आपका सवाल उचित है। दौर कौन सा है? दौर है प्रशासन का साथ देने का। कोई ऐसी बात जिससे कि हम कोरोना की इस महामारी में कैसी भी नेगेटिव एक्टिविटी करें इससे बचने का, मैंने जिस ये क्यों बैठना पड़ा है? जब प्रशासन हमसे बात करने को तैयार नहीं है, तभी तो माँ अहिल्या की नगरी में आपके माध्यम से ये बात कहनी पड़ी। जनप्रतिनिधियों का एक परिवार होता है, वो कोई पार्टी का नहीं हो। तो ये गरीबों को परेशान करना, गरीबों से, ठेला गाड़ी वालों से, छोटे व्यापारियों से रोज पुलिस बुगाई करना, ये चलन बन गया। ये मैंने IG को फ़ोन करके इस मामले में बात की थी, नगर निगम भी कर रहा है। IG से मैंने बात करके इस मामले में बात की थी, नगर निगम कमिश्नर से इस मामले में मैंने बात की थी और कलेक्टर को भी इस मामले में मैंने बात कही थी। और इन सब बातों को लेकर
सार्वजनिक रूप से भी कई बार मैंने वक्तव्य जब जब भी अवसर मिला दिए। 188 में कार्रवाई हो चुकी है सुदर्शन गुप्ता पे, कल तक तो कांग्रेस का ही मत था कि कार्रवाई होना चाहिए, अब जब कार्रवाई हो गई है तब और क्या चाहते हैं, और क्या सुदर्शन गुप्ता पे कार्रवाई होना चाहिए। सुदर्शन गुप्ता जी पे 24 घंटे में कार्रवाई हुई, प्रशासन जागा, अच्छा रहा, कल हुआ था, इतने बजे का आयोजन था, है आज कार्रवाई हुई, तो कोई बात नहीं, जो हो गई उससे हम संतुष्ट। कुणाल चौधरी आपके परम मित्र पॉजिटिव आए कोरोना में, ये दौर ऐसा है, मैं समझता हूँ सबको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, किसी को भी लग सकता है, आपको और हमको भी, आप भी सब सोशल डिस्टेंस बनाओ। शिवराज सिंह काम करते कि पार्टियों का विनाश तो कुत्ते का काम, हमारा धर्म यही कहता है, सरकार गिराकर जो हमने काम किया वो पुण्य जैसे ही काम। कंस को प्रश्न पापी दिखता था, शकुनी को भी पांडव पापी दिखते थे, तो पाप की परिभाषा क्या है? पाप की परिभाषा यह है कि बेटियों को शराब की दुकान पर नहीं बिठाना, ये पाप नहीं है। पाप की परिभाषा ये नहीं है कि कोरोना की महामारी में जब सरकार को गरीबों के साथ रहना चाहिए तब वो राजनीतिक पॉलिटिकल मैनेजमेंट और वर्चुअल रैलियां करते हैं, ये पाप नहीं है। पाप की परिभाषा ये नहीं है कि एक मुख्यमंत्री लोकतंत्र की हत्या करके बैठ के पाप और पुण्य की बात करता है, विधायकों को करोड़ों रुपए में खरीदता और फिर स्वयं स्वीकार करता और कहता है कि मेरे प्रधानमंत्री ने मुझे कहा और हम सब ने मिलकर ये किया, ये पाप नहीं है। तो पाप की परिभाषा जनता जानती है, जब पांडव कौरव सत्ता पे बैठे थे तो पांडव हल्के दिखते थे और जो कौरव कहते थे वो सही दिखता था, ये कौरव जो बोल रहे हैं ये जनता समझती है, इसका इतना विनाश और नाश होगा कि जनता बताएगी कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। को भी लेकर जमीनों को लेके आम जनता परेशान है, कमल नाथ जी की सरकार में जो राहत दी गई थी 150 यूनिट तक की, वो बिजली के बिल उतने ही यूनिट की, आप 2500-3000 कही क्या, तो 3000 से लेके 70000 तक के बिल आए। बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं इंदौर के जनमानस से आग्रह करना चाहता हूँ कि वो कमलनाथ की सरकार शिवराज पाप वाली बताते हैं जो 150 रुपया 150 यूनिट देती थी, और आप जितने आप पत्रकार हैं यहाँ, कैमरामैन है या आम जनता है, आप 1500 से ऊपर भी लाते हैं, ये पुण्य का काम, तो आप और हम सबको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि पुण्य क्या है और पाप क्या है। ये पापियों का विनाश जो दिखे उसका नाश करो, और साथ साथ चूँकि बिजली के बिल बढ़े हैं पर कोरोना का संकट है, इसलिए हम आंदोलन ऐसा नहीं कर सकते हैं जैसा करना चाहिए, पर कांग्रेस पार्टी ने शिवराज सिंह से सीखा है कि बिजली के बिल मत भरो, जेल जाएंगे तो हम भी जाएंगे, ये हमने नहीं, हमारे मुख्यमंत्री ने हमें सिखाया, उन्होंने कहा था बिजली के बिल मत भरो। तो मैं भी जनता से आग्रह करता हूँ कि 150 रुपया 150 यूनिट तक बिजली के बिल भरो और ऊपर आए तो मत भरो, ये शिवराज सिंह ने कहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। तो आप सबसे इंदौर की जनता और मध्य प्रदेश की जनता से आग्रह है कि शिवराज सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनकी बात हमें मानना है। सांवेर एसडीएम को लेकर भी आरोप लगा रहे हैं जीतू भाई आप। सांवेर एसडीएम बीजेपी के नौकर के रूप में काम कर रहा है और मैंने कलेक्टर से इसकी शिकायत की है, चीफ सेक्रेटरी को भी बोला है, अगर सार्वजनिक रूप से वो नहीं सुधरे और उन्होंने इसी तरीके से काम किए तो मैं मानता हूँ कि जनता का डंडा है, प्रशासन बड़े अधिकारी काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे। भाई साहब हनी ट्रैप मामले में प्रस्ताव भेजे गए हैं तो सुनने के लिए जिला जेल की तरफ से कोरोना की हाल, अब आप देखो कि ये पाप की सरकार और पुण्य की सरकार, जो कमलनाथ माफियाओं के खिलाफ युद्ध लड़ते थे, जो कमलनाथ मिलावट के खिलाफ युद्ध खाने पीने की चीज़ों में युद्ध लड़ते थे, वो पाप दिखता था शिवराज सिंह चौहान को। हनी ट्रैप का इतना बड़ा, जिससे अरबों रुपये महिलाओं का उपयोग करके विशुद्ध रूप से स्पष्ट हो गया, जिसका चालान पेश हो गया, उन लोगों को कोरोना के कारण छोड़ना सरकार की मंशा, लिखित में एक तरह से मदद करके लिख के छोड़ने की प्रोसेस चालू की, ये अपने आप में बताता है कि कौन पापी है। ये बार बार आप आरोप लगाते हो कि दिखे हुए विधायक है कांग्रेस के जो बीजेपी में चले गए, इतनी ऑडियो आ रही है तो एक आध ऑडियो वीडियो आप भी जारी कर दीजिए ना, कांग्रेस ही कितने करोड़ों बिके, 35 50 12 करोड़ों की बात करती कांग्रेस।
कांग्रेस पार्टी नियम कानून और संविधान से चलती है। कभी भी कोई बात ऐसी हमने थोड़ी कहा कि बीजेपी बिकी हुई नहीं है। बीजेपी ने कहा कि हम बिके हुए हैं, बार बार कहा, 20 बार कहा, टीवी ने कहा, मीडिया ने कहा, ऐसी एक भी चैनल नहीं है जिसने नहीं चलाया कि बड़े पैसे के लेन देन के बाद ये घटनाक्रम हुआ। तो हम मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। जहाँ तक सवाल है प्रमाण का, सही समय पर देंगे, हर चीज का एक समय आता आएगा। हाँ, वो बिके हैं, इसका प्रमाण होना चाहिए। सबसे पहले भी टीवी पे देंगे। व्यापम घोटाले के जो आरोपी गए हैं, जो जेल गए हैं, ऐसे अस्पतालों में कोरोना का इलाज हो रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? जबकि हाँ, जबलपुर हाईकोर्ट में इस मामले में रीट पिटीशन दायर हो चुकी है चिरायू हॉस्पिटल के अजय गोयल का। ये भी एक घोटाला है, क्योंकि ये कोरोना चल रहा है इसलिए इस पर बयानबाजी उचित नहीं होगी। जिन जिन मेडिकल कॉलेजों में कोरोना को लेकर चिन्हित किए गए, वो सब व्यापन से रिलेटेड उनका कुछ न कुछ बनता है। पर चूंकि आज आवश्यकता क्या है, युद्ध की कोरोना के खिलाफ, इसलिए इन बातों के बजाय कैसे हम लड़ सकें इस पर फोकस है। मैं मानता हूँ सही समय आएगा जब उसकी बात करें। 2018 में कांग्रेस ने हमेशा ये मुद्दा उठाया कि नियत का घोटाला हुआ, व्यापम का घोटाला हुआ, सारे घोटाले हुए, मगर 1.5 साल सरकार रही, एक भी घोटाले में कार्रवाई नहीं की गई, और आप फिर बोल रहे हैं कि घोटाला कर रही सरकार। ऐसा है पाल साहब कि लोकतांत्रिक तरी हमारी दुर्भावना नहीं है किसी के प्रति। हम किसी व्यक्ति को या किसी पार्टी को टारगेट करके हमने सरकार नहीं चलाई। हम व्यवस्था के साथ जिन मुद्दों को हम उठाते थे उनकी पूरी प्रक्रिया कानून सम्मत चल रही थी। जब कुछ मामले अंत तक आए, कुछ मामलों में और जांच की आवश्यकता थी, इस बीच में सरकार चली गई। जैसे ही सरकार बनेगी, आपका सवाल उचित है, जैसे ही सरकार बनेगी फिर आपको परिणाम मिलेंगे। पहले भी 12 महीने में जितने परिणाम कमलनाथ ने दिए हैं, इससे पहले हिस्ट्री में मध्य प्रदेश की किसी ने परिणाम नहीं दिए थे। ऐसे चीज़ों पर कानूनी कार्रवाई करने के, मैं मानता हूँ कि उस पर हमारी जो क्रिएटिविटी हो ज़्यादा है। मैं सरकार के हर काम को मानूंगा, जिस दिन बोलेंगे खाली करना है मैं कर दूंगा, पर मैं डी टाइप बंगले में हूँ तो डी टाइप बंगला विधायक के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है।